आपके साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। सरकार की योजना के तहत फिरोजाबाद के हनुमान संस्कृत महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी के साथ शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बता दें, सरकारी योजना के तहत हनुमान संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को एक कार्यक्रम के दौरान लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान करीब 2 दर्जन ग्रेजुएट छात्रों को लैपटॉप टैबलेट प्रदान किए गए। इस दौरान बताया है कि सरकार की योजना, जो लोग आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई के लिए लैपटॉप और मोबाइल नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा यह सुविधा प्रदान की जा रही है। आज जो टैबलेट का वितरण कार्यक्रम रखा गया, वो किस तरीके से, किस उद्देश्य के लिए? देखिए, संचार क्रांति के युग में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। इसी के क्रम में जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के छात्र हैं, उन छात्रों को साधन संपन्न करने के लिए, तकनीकी रूप से साधनों के अभाव में या धन अभाव में कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपना टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन नहीं खरीद पाते हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि इन इंस्टीट्यूशंस में सरकार निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करेगी। उसी के क्रम में ये वितरण किया जा रहा है सरकार का, ताकि संचार के इस युग में और सॉफ्टवेयर के इस युग में हमारे नौजवान, हमारे जो छात्र हैं, वो किसी से कम न रहें और ये विश्व का नेतृत्व करें। इसी के क्रम में ये सरकार का बड़ा सराहनीय प्रयास है और हम लोग इसका माध्यम है। सी डी ओ साहब इसके नोडल अधिकारी हैं जिले में, उन्हीं के नेतृत्व में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। छात्रों का भविष्य आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप और मोबाइल फोन का वितरण हो रहा है पूरे प्रदेश में। क्या नाम है आपका, और ये जो आपको टैबलेट वितरण, आपको जो टैबलेट मिला है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य ये रहेगा, सरकार द्वारा से हमें टैबलेट दिए गए हैं, हनुमान जी विश्वविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय से, फिरोजाबाद से, और हमें बहुत खुशी हो रही है इसी से लेके कि हमारी सरकार ने हमारे लिए जो प्रावधान किए, जो वितरण किए गए हैं, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली है उस चीज़ से। और हमें उसे उत्तेजना के होने के बाद भी हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, और हमारी कमेटी जो श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय और से इन लोगों ने हमारे लिए और बहुत सहयोग किया, और यहाँ की सरकार द्वारा दिए गए हमें जो फोन और जो लैपटॉप वितरण किए गए हैं, हमें इस चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल CB मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद, शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था।